सो फाइनली आज जो है मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग है लाइक 14th of June 2021। तो ये वीडियो जो है डे वन एट कॉग्निजेंट, जी हाँ कॉग्निजेंट में ज्वाइन कर रहा हूँ। सो डे वन एट कॉग्निजेंट मैं इस वीडियो में आप लोगों को शेयर करूँगा वर्चुअली ऑनबोर्डिंग प्रोसेस और फिर इंडक्शन, ये सभी जो है डिटेल्स मैं आप लोगों को शेयर करूँगा कैसे हुआ है मेरा। आज मेरा डे वन है तो चलिए ज्वाइन करते हैं। मीटिंग जो है लगभग 7:30 बजे से है, बाकी ज्वाइन करते हैं और आप लोगों को जो है इंडक्शन या फिर जो भी वर्चुअल ऑनबोर्डिंग होगा उसके लिए जो है आप लोगों को लिंक विवेक्स लिंक मिल जाएगी जिससे जो है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और एक आप लोगों को स्लॉट मिलेगी जो भी स्लॉट आपको असाइन हुआ होगा उस टाइम पर जो है आप लोगों को ज्वाइन करना है। तो मेरा जो है स्लॉट 7:30 AM का है, बाकी ज्वाइन करते हैं और फिर वर्चुअल ऑनबोर्डिंग है, बाकी देखते हैं इंडक्शन वगैरह कब होता है, बाकी और भी डिटेल्स मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। तो ये डे वन है, डे वन एट कॉग्निजेंट, सो ये मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। बाकी देखते फिर क्या होता है, आज फर्स्ट डे है तो आई एम सो एक्साइटेड। लाइक प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में भी जो है फर्स्ट डे पर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, प्लस बहुत सारे गुडीज़ वगैरह जो है प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से मिली थी। बाकी ये वर्चुअल हो रहा है सेम डे तो गुडीज़ नहीं मिल पाएगी, बाकी कुरियर जो है भेजा जाएगा और विल गेट लाइक विद इन 1 वीक, उसके बाद देखा जाएगा क्या आता है गुडीज़ और फिर देखते हैं। बाकी वीडियो बने रही है डे वन एट कॉग्निजेंट, ये वीडियो में आप लोगों को शेयर होगी, बाकी वर्चुअल ऑनबोर्डिंग ये सब जो है डिटेल्स आप लोगों को शेयर करूँगा फर्दर, जैसा जो जो प्रोसेस होता है वो आप लोगों को डिटेल्स मैं शेयर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो आपको सेपरेटली मिल जाएगी वर्चुअल ऑनबोर्डिंग और इंडक्शन सेशन जो भी हुआ था, प्लस क्या क्या उसमें होता है ये सब डिटेल्स मैं आप लोगों को शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ताकि जो भी वर्चुअली ऑनबोर्ड कर रहे हैं वर्चुअल इंडक्शन सेशन का हो रहा है तो वो जो है विदाउट एनी हैसल वो जो अटेंड कर पाए उस सेशन को, प्लस जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो फुलफिल कर पाए एट दैट टाइम। सो वो सब डिटेल्स जो है मैं आप लोगों को शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये डे वन एट कॉग्निजेंट मैं आप लोगों को शेयर करूँगा, चलिए देखते हैं अभी ज्वाइन करते हैं और वर्चुअल ऑनबोर्डिंग है, देखते हैं क्या होता है डिटेल्स। फर्स्ट टाइम में वर्चुअल ऑनबोर्डिंग का एक्सपीरियंस जो फर्स्ट टाइम मैं फील करूँगा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा वर्चुअली क्या फील आता है लाइक जो भी है। तो चलिए ऑनबोर्ड करते हैं, टाइम तो हो गया 7:20 है, बाकी 10 मिनट पहले ही ज्वाइन कर लेना चाहिए, बाकी ज्वाइन करते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। I am currently located in my hometown, Madurai. A few moments later. So first task जो है हम लोगों का complete हो गया है, जो है virtual onboarding. तो वर्चुअल ऑनबोर्डिंग अभी जस्ट ओवर हुआ है, जिसमें जो है आप लोगों को जनरली जो है एम्प्लॉय आईडी जो है उस टाइम जनरेट होती है, तो उसके लिए जो है जो भी डिटेल्स होती है वो आप लोगों को शेयर करना पड़ता है, लाइक कैंडिडेट आईडी, लाइक कैंडिडेट आईडी जो भी डिटेल्स होगा, आपका ऑनबोर्डिंग पास इस टाइप का जनरेट हुआ होगा, बाकी ऑनबोर्डिंग पास जनरेट होने के बाद उसमें कैंडिडेट आईडी वगैरह मेंशन किया रहता है, कैंडिडेट आईडी आपको डिटेल उसमें शेयर करना पड़ेगा जो भी है ऑनबोर्डिंग का टाइम जो है। लगभग मेरे केस में जो है लगभग 25% जो है अवेलेबल थे वहाँ पे, बाकी एक उसमें एक HR पर्सन थे या फिर जो भी आप कहें ऑनबोर्डिंग पर्सन, सो वो एक्चुअली वन बाय वन जो है आप लोगों से डिटेल्स मांगेगी ताकि वो रजिस्टर कर पाए एम्प्लॉय आईडी वगैरह जनरेट करने के लिए। तो बेसिकली एम्प्लॉय आईडी और मेल ये सब जो है जनरेट होता है उस दिन, आज तो जनरेट हो गया है, लगभग मेल आ जाएगा कुछ टाइम में। तो डिटेल्स जो है कैंडिडेट आईडी, प्रीवियस कंपनी, ये सब जो है आप लोगों से डिटेल्स शेयर करनी पड़ेगी ऑनबोर्डिंग के टाइम। तो ये डिटेल्स जो है मैं शेयर किया था और लास्ट वर्किंग डे जो है डिटेल्स ये सब शेयर किया था और जो है मेरा आईडी जो है जनरेट रजिस्ट्रेशन हो गया, बाकी आईडी जो है जनरेट हो जाएगी कुछ दिन देर में और मुझे जो है मेल आ जाएगा। बाकी एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, लाइक ऑनबोर्डिंग के बाद जो इंडक्शन सेशन होता है तो इंडक्शन के लिए भी आप लोगों को एक मेल जो है मिलेगा और लिंक वगैरह डिटेल्स मिलेगा शेयर आप लोगों को किया जाएगा मेल रजिस्टर मेल आईडी पे, और जो भी क्या होता स्लॉट है वो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसमें जो है खैर मुझे जो है स्लॉट मिल गया था ज्वाइनिंग के दिन ही, मुझे जो है एक स्लॉट मिला था इंडक्शन का, तो मे बी आप लोग अगर मे बी रस नहीं रहा तो आप लोग का सेम डे जो है इंडक्शन भी हो जाएगा, बट मेरे केस में जो है नेक्स्ट डे हुआ था जो कि आज है। तो इंडक्शन में जो है जनरली जो है वही सब बताया जाता है, लाइक आप कैसे लीव अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या कितना लीव मिल रहा है, कितना आपको इंश्योरेंस बेनिफिट मिल रहा है, आप जो है पीएफ वगैरह कैसे पीएफ अकाउंट लिंक कर सकते हैं ताकि, और
आपका सैलरी अकाउंट कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक ये सब जो है डिटेल्स आपको जनरली बताई जाती है, और बाकी कैसे लीव अप्लाई कर सकते हैं, टाइम सीट कैसे अप्लाई, फ्लो टाइम कैसे, टाइम सीट, ये सब जो है डिटेल्स आप लोगों को बताई जाती है लाइक। बाकी इंडक्शन सेशन जो है मे बी आप लोग का ऑनबोर्डिंग डे ही रहे या फिर नेक्स्ट डे रहे, तो मेरे केस में जो है ये मेरा आज नेक्स्ट डे है, तो ऑनबोर्डिंग मेरा प्रीवियस डे हो चुका था। बाकी POC आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो भी मैनेजर होते हैं ऑनबोर्डिंग मैनेजर, वो आप लोगों को डिटेल्स वो शेयर किया जाता है आप लोगों के साथ ओवर मेल, तो मेल के थ्रू जो आप लोगों ये सब शेयर करें। बाकी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑनबोर्डिंग पर्सन से, जो भी आपके ऑनबोर्डिंग मैनेजर है लाइक POC, तो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बाकी डिटेल्स पूछ सकते हैं प्रोजेक्ट रिलेटेड जो भी आप लोगों को क्वेरी होगा। तो अभी जो है मैं फिलहाल जा रहा हूँ उनसे कॉन्टैक्ट करने, तो मेरा जो है इंडक्शन सेशन हो गया तो कॉन्टैक्ट करता हूँ। और बाकी यही फर्स्ट डे रहा अभी तक का एक्सपीरियंस, इंडक्शन सेशन भी मैं फर्स्ट डे काउंट कर रहा, लाइक मेरा तो नेक्स्ट डे हुआ था बट ये फर्स्ट डे ही होना चाहिए था। बाकी ये 2 दिन का प्रोसेस है, फर्स्ट 2 डेज मैं अपना शेयर किया हूँ लाइक ये सब होता है। तो ये वीडियो में जस्ट यही इन्फॉर्म करना था, यही बताना था आप लोगों को डिटेल्स। बाकी मैं ज्वाइन कर गया कॉग्निजेंट, आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखा तो जो है मुझे ऑफर और भी कंपनी से थी लाइक, मैं क्यों ज्वाइन किया ये सब जो है डिटेल्स मैं आप लोगों को फर्दर नेक्स्ट वीडियो में जो है बताऊंगा। बाकी एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, वर्चुअल ऑनबोर्डिंग में जो है प्रॉब्लम बहुत आती है, मुझे भी जो है वर्चुअल ऑनबोर्डिंग और इंडक्शन सेशन में प्रॉब्लम आई थी इंटरनेट कनेक्टिविटीज़ की, प्लस अगर आप लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप के सेक कर रहे हैं तो आप पावर का देख ले, बैकअप वगैरह रखें, और इंटरनेट स्पीड जो है थोड़ा चेक कर ले। बाकी मेरा जो है 2 बार डिसकनेक्ट हो गया था ड्यू टू दैट इंटरनेट स्पीड। सो ये जो है ये सब जो है वर्चुअल ऑनबोर्डिंग और इंडक्शन में जो है ध्यान रखना पड़ता है। बाकी आपका सिस्टम जो है पहले से चेक कर ले लाइक वर्क कर रहा है, जैसे कि वेबएक्स वगैरह है तो वो सब पहले से इंस्टॉल करके रखे अपने सिस्टम में। तो ये जो है प्री रिक्वेस्टेड चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए लाइक एट दैट टाइम, लाइक जब इंडक्शन होगा ऑनबोर्डिंग होगा तो आप लेट ना हो जाए, लेट ज्वाइन करने से भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगी लाइक आधी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो उसमें जो है प्रॉब्लम होती है। बाकी ये सब जो है आप इसको रस को दूर करने के लिए आप जो है ये सब कर सकते हैं। बाकी जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी ये सब जो है ध्यान रखिएगा वर्चुअल ऑनबोर्डिंग में। तो वर्चुअल ऑनबोर्डिंग की बात करें तो फर्स्ट टाइम जो है वर्चुअली ऑनबोर्ड हो रहा हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन में ड्यू टू दिस पैंडमिक। तो वर्चुअल ऑनबोर्डिंग ओवरऑल जो है कॉग्निजेंट का बहुत ही स्मूथ था, और बाकी जो भी डिटेल्स है वो आप पूछ सकते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या फिर आप अपने रिक्रूटर से पूछ सकते हैं। तो ये सब जो है डिटेल्स है, बाकी बहुत सारे चीज़ें को जो है अपडेट करनी पड़ती है कि वर्चुअल ऑनबोर्डिंग में जो है आप लोग को रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस लेटर ये सब जो है आप लोग को प्रोवाइड करनी पड़ेगी।